हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो टुडे वी टॉक अबाउट व्हाट क्या वट स्क्रिप्ट कहाँ भाई स्क्रिप्ट मालिक वो तो मैंने लिखी नहीं बिजी था मैं थोड़ा सा वो गया ना आप सैलरी नहीं देते हो तो हमने सोचा खुद अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं अमीर कैसे बने है? स्क्रिप्ट कहाँ है स्क्रिप्ट चाहिए बस पाँच मिनट दो अभी आपको एक बढ़िया स्क्रिप्ट देता हूँ लिख के बस पांच मिनट मालिक पांच मिनट लो मालिक कर दिया हमने काम अब बस परेशान ना करना हमें ये स्क्रिप्ट है कंट्रोल कंट्रोल <अगए> हेलो फ्रेंड्स टुडे वी टॉक अबाउट बेस्ट सिनेमैटिक सेटिंग्स इस टॉपिक पे मैं बहुत टाइम से वीडियोस बनाना चाहता था बट मैंने कोई सिनेमैटिक वीडियो अभी तक शूट कर नहीं थी जो मैं इसमें डाल सकूं तो रिसेंटली मैं अपने दोस्त के साथ गया था एक छोटे से शूट पर उसे रील्स चाहिए थी कुछ अपने लिए मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियोज मैं अपने काम के लिए यूज कर सकता हूँ मैंने बहुत सारी वीडियो उसकी शूट करी और उनका एक सिनेमेटिक लुक दिया

आपके एक वीडियो तभी सिनेमैटिक हो कहलाती है जब वो म्यूजिक की बीट पे फ्रेम चेंज करे, ना कि अगर मैं बोल रहा हूँ अब बात कर रहे हैं कहीं बीच में कभी कोई सा फ्रेम लगा दिया कोई कोई सा लगा दिया ऐसा नहीं होता है बिल्कुल हर बीट पे फ्रेम चेंज हो उससे एक सिनेमेटिक लुक आता है वीडियो में तो करते हैं टूल्स की बात आप टूल्स की नीड होगी एक सिनेमेटिक वीडियो शूट करने के लिए देखिए जरूरी है आपके पास डी एस हो आप एक स्मार्टफोन से भी सिनेमेटिक वीडियो शूट कर सकते हैं और बहुत अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं अगर आपके पास गिम्बल अवेलेबल है बिल्कुल आप गिम्बल का यूज करें बट अगर आपके पास गिम्बल अवेलेबल नहीं है आप और आपको सिनेमेटिक वीडियो शूट करने का शौक है आप हाथ से भी शूट कर सकते हैं बट आपको ध्यान रखना है आपकी वीडियो में शेक ना आए अगर आपके पास गिम्बल नहीं है और आप हाथ से शूट करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप ज्यादा बड़े शॉट ना बिकॉज जब आप लंबे शॉट लेंगे हाथों से तो उस उस शॉट में बहुत ज्यादा शेक आएगा तो कोशिश करें आप छोटे छोटे शॉर्ट्स छोट ले और उन शार्ड्स को जोड़कर एक सिनेमटिक वीडियो बनाए अपनी ट्राईपोर्ट और मोनोपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोज को और ज्यादा सिनेमेटिक लुक देने के लिए और इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स लेने के लिए सो इतनी सारी चीजों के बाद में एक छोटी सी अलग एडवाइस देना चाहूंगा जो मोस्टली जो मोस्टली

बट मोस्टली फोनों में नहीं होता है तो आप टेन में भी जा सकते हैं सिक्सटी फ्रेम पर वो आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करेगा और आप एडिटिंग के टाइम स्लो करके आप और अच्छा लुक निकाल सकते हैं उससे सो कुछ फ़ोनों में आपको कैमरे के पास ही मिल जाता है ये ऑप्शन आप 60 फ्रेम पे शूट कर रहे हैं और फिफ्ट थर्टी फ्रेम पे ये मेरा नोकिया का फोन है और इसमें 4K अवेलेबल है बट 30 फ्रेम पे और मैं 30 फ्रेम पे सिनेमेटिक वीडियो शूट नहीं कर सकता सो मैं इसीलिए सिक्सटी फ्रेम पे शूट करता हूँ तो इसमें वन पे जो 60 फ्रेम अवेलेबल है मेरे पास बट हर मोबाइल में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं जिनका आप यूज़ सिनेमेटिक वीडियोस में कर सकते हैं यहीं पे आईफोन ने इसके लिए एक पर्टिकुलर मोड दे रखा है सिनेटिक मोड और भी ऐसी कंपनियाँ जो सिमेटिक मोड प्रोवाइड करती हैं अपने फ़ोनों में तो मैं आपको कैमरे की सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो आपको नॉर्मली अपने स्मार्टफोन में मिल जाएंगी आप उनका यूज़ करके अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा सिनेमेटिक लुक दे सकते हैं ये मैनुअल्स का है ओटो फोकस मेथड ट्रैकिंग फेस ट्रैकिंग हमेशा ऑन रखें अपने किसी भी कैमरे में आप कुछ भी हो ये बेस्ट है सो so, मेरे कैमरे में आपको मिल जाएगा फिफ्टी फ्रेम और ट्वेंटी फोर फिफ्टी फ्रेम एच और फोर के ट्वेंटी फाइव जो सिनेमेटिक वीडियोज के लिए मैं हमेशा फुल एच ये लेता हूँ उसके बाद आते हैं हम कलर्स पे ये टेम्परेचर हो गए और ये आपके और ये होता है कलर टोन ये अपने में बहुत बड़े टॉपिक हैं सो मैं इसे अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा फिर उसके बाद आते हैं कलर पिक्चर्स पे आपकी कलर्स पिक्चर या पिक्चर स्टाइल तो पिक्चर स्टाइल को मैं नेचुरल रखता हूँ बिकॉज उससे एडिटिंग में मुझे मदद मिलेगी एडिटिंग में मैं उसको कल उसके कलर को अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूँ इसके बाद ये एक्सपोजिंग वाला है लाइट को एक्सपोज करने का मैं इसे बिल्कुल बंद रखता हूँ मुझे पसंद नहीं है और ये भी मिनिमम इफेक्ट मूवीज़ मैं इसमें भी ज़्यादा कुछ खास करता नहीं बिकॉज ये सेटिंग इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है आपकी मूवीज़ की जो स्पीड ये दिखाएगा तो so ये सेटिंग्स मैं जो करके रखता हूँ अब आते हैं शूटिंग करते टाइम शूट इट एट द टाइम अगर मैं फिफ्टी अगर मैं फिफ्टी फ्रेम पे शूट कर रहा हूँ सो मैं अपनी शटअ स्पीड एक सौ पच्चीस के आसपास रखता हूँ उसके बाद आते हैं हम अपार्चर पे। बट अपर्चर के साथ प्रॉब्लम ये है भी आप सिनेमेटिक वीडियो आउटडोर में शूट करते हो तो आपका अपर्चर जितना लो होगा लाइट आपके कैमरे में उतनी ज़्यादा आएगी और आप शटर स्पीड के साथ ज़्यादा छिड़खानी नहीं कर सकते आए सो आपकी ब्राइटनेस के हिसाब से रखें अगर आप डे में शूट करें तो हमेशा उसे कम से कम उसे फिफ्टी हंड्रेड रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया आपको अपर्चर जितना कम होगा लाइट उतनी ज़्यादा आएगी आपके कैमरे में तो उसका एक सोल्यूशन है एंडी फिल्टर्स अब एंडी फिल्टर्स अपने में एक बड़ा टॉपिक है और बहुत बढ़िया चीज़ है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से हूँगा अब सेटिंग्स की सारी बात हो गई है अब आते हैं ऐसे पॉइंट पर जो मोस्टली क्रिएटर्स नहीं बताते हैं आपको और रियलिटी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत कम क्रिएटर्स बताएंगे इस बारे में बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ आपकी सिनेमेटिक वीडियो में जितना म्यूज़िक का काम है जितना आपका शूटिंग का काम है उसी तरह कैसे आपकी एडिटिंग का उतना ही काम है सपोज कीजिए आपने अपना सारा शूट कर लिया अपने म्यूज़िक ले लिया म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आपने पर बीट पर अपनी वीडियोज़ को डाल दिया जो फ्रेम पर चेंज हो रही है बट इसके बाद भी आपकी वीडियो सिनेमेटिक लुक में नहीं लग रही है अब उसका सबसे बड़ा रीजन आता है आपकी एडिटिंग आपको कलर ग्रेडिंग के बारे में जानना पड़ेगा आपको सीखनी पड़ेगी कलर ग्रेडिंग तो आपकी पूरी वीडियो रेडी होगी अब इसे सिनेमेटिक लुक देने के लिए लोग कोशिश करते हैं इसमें ब्लैक बार एड कर देते हैं बट इसका सजेशन मैं कभी नहीं दूंगा अब आपको तो बिल्कुल नहीं आज से कुछ साल पहले यह चीज बिल्कुल वैल्यूएबल थी आपको ब्लैक बार लगाना जरूरी था उस टाइम ये एक अलग लुक देता था बट अब बिल्कुल बेकार है यह मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट मार्केट में अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले बहुत ज्यादा फेमस हो रही है और आप टीवी देख सकते हैं आप मॉनिटर्स देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड का जमाना है और उस टाइम पे आप अगर सिनेमेटिक वीडियोज को इस तरीके से अब बनाने लगेंगे आप अभी भी वही ब्लैक बार लगा रहे हैं अपनी वीडियोज में तो उससे आपकी वीडियोज और ज्यादा छोटी हो जाती है जब आपकी वीडियोज को एक बड़े मोनिटर पर देखा जाता है और वो साइड्स साइड कोशिश करिए ब्लैक बार ना लगाए अपनी वीडियोस में बिकॉज इससे आपकी वीडियोस बिल्कुल बेकार लगने लगेगी जब आपकी वीडियो फुल डिस्प्ले पे चलेगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प करें और इस मंथ के लास्ट तक मैं पाँच सौ सब्सक्राइबर का गोल रख चुका हूँ प्लीज़ प्लीज़ इसे कंप्लीट करने में मेरी मदद करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं और एज सुन एज पॉसिबल मैंने प्लान कर लिया है नए गाने का शूट का और प्लानिंग चालू है और न्यूज होंगे के साथ हमारे कुछ नए दोस्त इसमें आएंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ बाय